इस वक्त की बड़ी खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से। तो 75 एनपी मार्ग पर पुलिस ने की थी नाकेबंदी। पंजाब नंबर की कार में सवार होकर आए थे बदमाश। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से ये बड़ी खबर, जहां हीरोइन तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। 75 एनपी मार्ग पर पुलिस ने की थी नाकाबंदी। पंजाब नंबर की कार में सवार होकर आए थे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनप्रीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनप्रीत, अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। तस्करों ने नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की है, क्या कुछ अभी का अपडेट? जी मैं बता दूं, ये रायसिंह नगर क्षेत्र सीमा क्षेत्र से सटा होने के कारण मिर्जा क्षेत्र में 75 एमपी के पास पुलिस की नाकेबंदी के दौरान, वहीं बताया जा रहा है कि गांव 43/44 पीएस के पास ड्रोन की मूवमेंट को लेकर, जिसको लेकर यह तस्कर है, तो ड्रोन की डिलीवरी देखा जताया जा रहा है कि ड्रोन की डिलीवरी लेने को आए थे और ये ड्रोन की मूवमेंट होने से ग्रामीणों को द्वारा सूचना दी गई पुलिस को, जिससे ये इनके पास पुलिस ये भी सूचना मिल रही है कि इन्होंने नाकेबंदी के दौरान पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग भी की है। फिलहाल इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं ये मौका देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए, तो और अभी फिलहाल पुलिस का सर्च अभियान जारी है। जी मनप्रीत, जो फायरिंग की गई थी, उस फायरिंग में कोई पुलिस वाला घायल हुआ है या फिर कोई भी जनहानि वहां पर हुई है, और तस्करों की संख्या कितनी थी? जी ये फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 से 3 तस्कर थे, जिनमें अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। पुलिस द्वारा बीएसएफ बॉर्डर एरिया पर सर्च जारी है और आगे भी सीमा क्षेत्र से सटा होने के कारण रायसिंह में आगे भी ऐसी हीरोइन तस्करी को लेकर पाक द्वारा बार बार हीरोइन ड्रोन के जरिए यहाँ भेजी जाती है, जिसको लेकर पंजाब के तस्कर रायसिंह क्षेत्र में आते हैं और डिलीवरी लेने के, जिसको लेकर पुलिस ने आगे फिलहाल कुछ दिन पूर्व में ही 2 से 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा था 3 किलो हीरोइन के साथ। जी जी मनप्रीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ये रायसिंह नगर से खबर है, जहां पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर हीरोइन तस्करों ने फायरिंग की है। हालांकि कोई भी जनहानि की बात अभी सामने नहीं आई है और पुलिस का सर्च अभी जारी है।